सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिचर्ड गोयल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गेम फोकस्ड। सो आज मैं एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए, और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ A15 के साथ। तुम्हें पता है मैं A15 के ऊपर मैं स्ट्रीम करता हूँ, गेमिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं A15 के साथ। और जैसे जो जो नया वीडियो देख रहा है, तो ये है मेरे पास लैपटॉप Asus A15 जो कि आता है Ryzen 7 4800H के साथ और RTX 3050 के साथ। लैपटॉप 75,000 रुपीज़ में लिया था मैंने ये, और ये लिया था 3 महीने पहले। तो 3 महीने बाद अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, 3 महीने बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है मेरे को। प्राइस रेंज में बहुत सारे लैपटॉप्स आते हैं, बस बेस्ट लैपटॉप मुझे यही लगा तो मैंने ये वाला ले लिया। इसमें और तो मेरे लैपटॉप कौन से मिलेंगे, एक तो देखो HP वर्जन मिल जाएगा, Dell G15 मिल जाएगा, और विक्टस मिल जाएगा, और ROG मिल जाएगा, और अपना नाइट्रो 5 मिल जाएगा। तो बहुत सारे लैपटॉप्स हैं RTX 3050 के साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो चलो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं यार ओवरऑल तो लैपटॉप बहुत बढ़िया है, बेस्ट, ठीक है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी यार अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को तुम कंपेयर कर सकते हो डेल से, बट स्टिल इसकी बिल्ड क्वालिटी डेल से भी ज़्यादा अच्छी है। 2-3% का फर्क होगा, बट डेल से भी ज़्यादा अच्छी है परफॉर्मेंस में बिल्ड क्वालिटी। और इसमें पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, लाइक Dell G15 में तुम्हें पोर्ट्स की कमी मिल जाती है। उसमें 3 पोर्ट्स USB के हैं, तो बट 2 पोर्ट्स में 2.0 के हैं और एक पोर्ट 3.2 का है। इसमें क्या है, इसमें 2 पोर्ट 3.1 और 3.2 के हैं आई थिंक सो, और एक पोर्ट 2.0 का है। तो यार पोर्ट का थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी, अगर तुम्हारा 2.0 से कुछ तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर स्पीड कम ही आएगी, क्योंकि वो तुम डिफरेंस देख सकते हो यार गूगल पे कि 3.1 3.2 एंड 2.0 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके आगे करते हैं यार कीबोर्ड की बात, कीबोर्ड का क्वालिटी कैसा है, कीज़ की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो कीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक देखने में मज़ा आता है, टाइपिंग करने में मज़ा आता है, कोडिंग करने में मज़ा आता है, ठीक है। बट तुम इसे गेमिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसका जो मैंने इस्तेमाल करा था 20 दिन के लिए गेमिंग के लिए, तो उसमें क्या हुआ, ये जो की है शिफ्ट की, इसके ऊपर का थोड़ा कलर हट गया, क्योंकि मैं नाखून है इतने बड़े बड़े तुम्हें दिख रहा होगा शायद, बट नाखून से यार थोड़ा उसे रैंडमली अगर क्लिक दबाते जाओगे तुम तो कलर हट ही जाएगा, ठीक है। सो गेमिंग के लिए इस्तेमाल मत करना, ठीक है, और वैसे तुम कर सकते हो आराम से, ठीक है। कोडिंग वोडिंग करनी है और कुछ करना है तो कर सकते हो, गेमिंग के लिए यार आराम से अलग से कीबोर्ड ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस यार इसका देखो बूट टाइम की और बात करते हैं। बूट टाइम इसका 5 से 8 सेकंड था जब पहले मैंने स्टार्टिंग में लिया था लैपटॉप, अब जो है बूट टाइम इसका 7 से 15 सेकंड है, बट स्टिल बूट टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना नॉर्मल होता है सब लैपटॉप्स का। और ऐसा कोई गेम नहीं है जो ये रन नहीं कर पाए, एक सारे गेम्स हैं कर पाएगा, क्योंकि इसमें RTX 3050 है, 16 GB RAM भी करवा लिया मैंने, 8 GB RAM में भी कर जाएगा सारे गेम्स रन, बट 16 GB RAM कराओगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें रैम ज़्यादा डिमांड करता है। तो यार ऐसा कोई गेम नहीं है जो इस लैपटॉप में नहीं चल सके, सारे गेम तुम खेल सकते हो आराम से, चाहे लो पे खेल पाओ बट हाई पे खेल पाओ, बट सारे गेम खेल पाओगे और मोस्टली हाई पे तुम खेल सकते हो सारे गेम्स, ठीक है। और गेम्स कौन से की बात करूँ, लाइक मैंने कौन से इसके ऊपर गेम्स टेस्ट करें, वैलोरेंट करा है, GTA 5 करा है, एपेक्स करा है, डेज गॉन करा है, और मैं फायर करा है, 5 किया है, तो बहुत सारे गेम्स करे हैं, और उसकी सारी वीडियोस तो मैं बेंचमार्क की वीडियो एंड गेम प्ले की वीडियो सब तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और यार इस लैपटॉप के ऊपर मैं प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो में पहली बना चुका हूँ, तो मैं आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अगर तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स अलग से देखने हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हो, और अभी एक्सपीरियंस देखना तो एक्सपीरियंस में सुन सकते हो आप, ठीक है। तो अभी अब आते हैं थर्मल्स के ऊपर, देखो थर्मल्स अच्छे हैं इसके, ठीक है। जो 2020 वाले मॉडल्स ना जब टफ को लॉन्च किया गया था 2020 में, तो उसको यार हीटर का नाम भी दिया गया था, क्योंकि जब वो गेम खेलता था बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा था, तो इसलिए सब टफ को हीटर बोलने लगे थे। बट अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हो चुके हैं यार इसके थर्मल्स, क्योंकि थर्मल्स इंप्रूव करने के बाद ना इसके टेम्परेचर यार 90 के नीचे रहते हैं, और कभी कभी हाँ 90 से ऊपर चले जाते हैं, 92 तक चले जाते हैं, बट 95 से नीचे अगर तुम्हें टेम्परेचर चले जाए गेमिंग लैपटॉप के तो कोई दिक्कत नहीं, 95 से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हाँ तो दिक्कत है, उसमें कुछ तुम्हें कराना पड़ेगा, लाइक थर्मल पे चेंज कराना पड़ेगा, या फिर कूलर देख फैन यूज़ कर लो कुछ, या ठंड जगह में खेलो यूज चला लो, आपको टेम्परेचर 95 से नीचे रहेंगे तो लैपटॉप बढ़िया है, ठीक है, और इम्प्रूवड हुए हैं तो सही है। और इसके बाद करते हैं मल्टीटास्किंग के बारे में, मल्टीटास्किंग तुम आराम से कर सकते हो, मैं गेम खेल लेता हूँ, मैं गेम खेल रहा होता साइड में, ठीक है, साइड में मेरा दूसरी स्क्रीन में चल रहा था, कोडिंग गाने और पीछे डाउनलोडिंग, मतलब सब बहुत सारी चीज़ें तुम खोल सकते हो, इसकी क्रोम में तुम बहुत सारी टैब्स खोल सकते हो एंड 2 गेम एक साथ खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 गेम भी एक साथ खुल जाते हैं, लाइक मैंने एपेक्स भी खेल रहा था और GTA 5 भी चल रहा था, बैकग्राउंड मुझे याद नहीं रहा था, तो बैकग्राउंड में GTA 5 भी चल रहा था, ठीक है।
मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर मिलता है तुम्हें आर्मेरी क्रेट। आर्मेरी क्रेट में क्या है, लाइक बहुत सारी चीज़ें यार एडवांटेजेस हैं इसमें तुम्हें, स्टैट चीज़ आती है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, GPU कितना यूज़ हो रहा है, एंड इसमें अलग अलग तुम्हें मोड मिल जाता है, GPU पावर सेविंग मोड मिल जाता है, लाइटनिंग की सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो अलग अलग लाइक इस सॉफ्टवेयर से तुम मोस्टली बार्ट लैपटॉप का कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अलग अलग फीचर्स भी हैं यार, जैसे कि ट्रू वे नॉइस कैंसलेशन, उससे क्या होता है तुम्हारा जो बैकग्राउंड का नॉइज़ है वो पूरे हट जाएगा और तुम अपना इंटरनल माइक यूज़ कर सकते हो लैपटॉप का। लाइक तुम गेम खेल रहे हो और तुम्हारे पास माइक नहीं है, या तुम स्ट्रीम कर रहे हो तुम्हारे पास माइक नहीं है, तुम अपना इंटरनल लाइक इंटरनल माइक यूज़ कर सकते हो लैपटॉप का। क्योंकि मैं भी इंटरनल माइक यूज़ करता हूँ, मेरे पास मुझे अलग से माइक नहीं है और लोगों को पता भी नहीं लगता कि मैं अपना लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहा हूँ। माइक अच्छा है इसका, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर टू वे नॉइस कैंसलेशन। और हमारे बात करते हैं अब बैटरी लाइफ के बारे में, ठीक है। बैटरी लाइफ यार इसमें बहुत अच्छी मिलेगी, 90 वाट आवर्स की बैटरी है इस प्राइस रेंज में, सबसे ज़्यादा बैटरी काफ़ी दे रहा है 90 वाट आवर्स की बैटरी। और 90 वाट आवर्स में तुम आराम से 5 घंटे निकाल सकते हो, आराम से 5 घंटे निकल जाएंगे। और अगर तुम्हें बैटरी लाइक बैटरी टेस्ट का वीडियो देखना है तुम आई बटन पर क्लिक करो और बैटरी टेस्ट का वीडियो देख लो। उसमें तो यार मैं मूवी देख रहा था, उसमें खतरनाक ही बैटरी बैकअप मिला था मेरे को, नॉर्मली यूज़ करोगे तो 5 घंटे मिल जाता है, ठीक है। और फिर स्पीकर की बात आती है, स्पीकर अगर तुम मूवी देखना चाहते हो तो हाँ शांत जगह पर अगर तुम मूवी देख रहे हो तो आराम से अच्छे अच्छे स्पीकर तुम्हें लगेंगे, बट स्पीकर एवरेज है, लाइक इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, लाउड नहीं है, इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है जितना गेमिंग लाइक इस प्राइस में स्पीकर अच्छे हैं। गेमिंग वाले लैपटॉप है तो स्पीकर कौन यूज़ करता है, मूवी देखने के लिए यूज़ करते हैं स्पीकर मोस्टली लोग, वरना तो सब गेमिंग करते हैं तो ईयरफोन लगाते हैं, तो स्पीकर ज़्यादा इतना मैटर भी नहीं करता क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। क्वालिटी की बात करें, स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी खासी है, कलर्स भी अच्छे खासे हैं, और बट स्क्रीन इसमें स्क्रीन रीडिंग आ रही है, लाइक सारे टफ 18 में ही स्क्रीन रीडिंग है। कोई भी तुम नया लाइक नया लैपटॉप लोगे तब भी स्क्रीन रीडिंग आएगी, बट थोड़ी सी आएगी, लाइक और लैपटॉप्स में भी होती है स्क्रीन रीडिंग, बट आसोस में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि तुम्हें परेशान करेगी वो स्क्रीन रीडिंग। बस तुम्हें रात में जब तुम डार्क मूवी देख रहे हो या फिर तुम्हारा स्क्रीन डार्क हो रखा है तभी तुम्हें स्क्रीन रीडिंग देखेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विस के ऊपर, सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं इसकी सर्विस से फुली सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मैंने इसका स्क्रीन रिप्लेस कराया था स्क्रीन रीडिंग के चक्कर में। तो स्क्रीन रीडिंग लाइक स्क्रीन तो चेंज हो गया बट स्क्रीन रीडिंग तब भी नहीं जाती है ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी रह ही जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी है स्क्रीन रीडिंग अभी भी, बट स्क्रीन जस्ट थिंक ना उन्होंने स्क्रीन मुझे 3 दिन के अंदर रिप्लेस कर दी थी और बिल्कुल ऐसा कुछ कुछ स्क्रैचेस भी नहीं आए मेरे माइक। और सर्विस सेंटर में कभी क्या होता है वो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते तुम्हारे लैपटॉप को एंड स्क्रैचेस डाल देते हैं, बट मेरे लैपटॉप को बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन लोगों ने एंड स्क्रीन रिप्लेस कर दिया, मुझे पता भी लग रहा था। और पूरा लाइक इतना अच्छा लाइक उसमें पूरा शीट चढ़ा हुआ था, पूरा नया स्क्रीन था यार, तो सर्विस अच्छी मिली थी यार मेरे को इसके साथ। और लाइक 3 दिन के अंदर इन्होंने रिप्लेस कर दिया था मेरे को ये चीज़। एंड मेरे को ना बहुत बार लाइक फैन इसका लाइक डस्ट आ जाती फैन के अंदर, तो मैंने इनको ऑन साइड ही मंगाया, लाइक ऑन साइड भी बुलाया था, लाइक अगर तुम्हारे एरिया में 80 किलोमीटर के अंदर इसका आसका सर्विस सेंटर है तो तुम ऑन साइड भी ले सकते हो सर्विस, जैसे कि लाइक वहाँ से बंदा आएगा तुम्हारा फ़ैन क्लीन करेगा और चले जाएगा, तो ऐसे ही है। तो मैंने भी ऐसे कराया था, लाइक वहाँ से बंदे बुलाया फ़ैन क्लीन करा था, फ़ैन में से बहुत ज़्यादा धूल निकली तो फ़ैन क्लीन करा और चले गया, लाइक ऑन साइट सर्विस ली थी मैंने। अब कोई भी दिक्कत होती है लैपटॉप में तो तब भी तुम ले सकते हो, ठीक है, वो लाइक ज़्यादा को टाइम लगता है, तुम्हारा 3 दिन में सर्विस वाला आ जाता है। अगर तुम आज कॉल करोगे तो कल या परसों में वो बंदा आ जाएगा और देख लेगा तुम्हारे लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो वहीं भी ठीक कर देगा। और कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो हाँ वो खुद उठा के लैपटॉप लेके जाएगा वहाँ पे अपने सर्विस सेंटर से, वहाँ पे ठीक करके फिर वापस भी देखा जाएगा, तुम्हें कोई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसमें देखो एक साल का वारंटी मिलता है, तुम 2,250 रुपये देगा ना आसूस प्रोमो साइट से, तुम इसका 3 साल का वारंटी क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो, तो 2,250 रुपये दो और 3 साल तक तुम्हारा टेंशन फ्री 3 साल तक वारंटी हो गया। बट वारंटी किस चीज़ का है, वारंटी सिर्फ पूरे लैपटॉप का, बस एक चीज़ का नहीं है वारंटी 3 साल तक का, वो है बैटरी। बैटरी का 1 साल का ही होता है। तो मैंने फेस करी लाइक मेन पॉइंट तो ये है, बहुत सारे लोग यही सुन आए होंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी मैंने, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, एक्सेस ड्रॉप का इशू आया था इसमें स्टार्टिंग में जब लैपटॉप मैंने लिया था, लाइक मैंने जब ये खरीदा था ना तो मैं आई थिंक सेकेंड ओनर था इस लैपटॉप का पूरे इंडिया में, तो जब मैंने लिया था तो इसमें एक्सेस ड्रॉप का इशू था, लाइक बहुत सारे गेम्स में ना इसका GPU परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बट अब BIOS अपडेट आया था कुछ 1 महीने पहले तो उसके बाद जब इसका परफॉर्मेंस बीस्ट हो चुका है, खतरनाक परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्व हो गया। स्क्रीन रीडिंग का इशू है थोड़ा माइनर सा, तो वो तो यार रहेगा, वो जाएगा नहीं, तुम स्क्रीन रिप्लेस करवा लोगे। अगर किसी में ज़्यादा है तो चेक कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखी है स्क्रीन रीडिंग के ऊपर भी, तुम वो चेक कर सकते हो आई बटन में जाके, तो वहाँ पर जाके चेक कर लो। अगर तुम्हारे लैपटॉप में ज़्यादा है तो रिप्लेस करा लेना, लैपटॉप ऑफलाइन लिया है तो ऑफलाइन में रिप्लेस करा लेना, ऑनलाइन लिया था ऑनलाइन में रिप्लेस करा लेना, ठीक है।
और एक चीज़ बुरी लगी है मेरे को कि सर्विस सेंटर से अगर तुम रैम अपग्रेड कराते हो तो 800 रुपये लेता है वो सर्विस, लेकिन बस एक रैम लाने के लिए 800 रुपये है, कौन देता है? तो मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को बुलाया ऑन साइट सर्विस, मैंने के लिए मतलब बोला ऑन साइट सर्विस कि मेरे फैन में से आवाज़ आ रही है। उसने आके लैपटॉप खोला और मैंने भैया मैंने बोला कि लैपटॉप तो खोला हुआ है, मैं रैम डाल लेता हूँ, उन्होंने मैंने रैम डाल दिया और बस खत्म कर दी। अच्छा क्या था, रैम भी अपग्रेड हो गया, 800 रुपये भी देने देने पड़े और फैन भी क्लीन हो गया। तो ये ट्रिक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? बस जो सर्विस करने आएगा तुम्हारा लैपटॉप हो जाए थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, तो अच्छे से बात करना उससे, ठीक है? और इसमें हाँ एक बार मेरे को ब्लू डेथ ब्लू स्क्रीन आता ना लैपटॉप में, एरर आया था ब्लू स्क्रीन वाला, तो वो एक दो बार आया था मेरे को, बट बायोस अपडेट होने के बाद नहीं आया एक भी बार। तो आई थिंक वो विंडोज़ प्रॉब्लम है, बट अब तो नहीं आया, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मैं इस लैपटॉप से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, तो मैं इस लैपटॉप से फुली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें यार सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। 8 कोर वाला प्रोसेसर, 16 GB रैम मिल रही है, मैंने अपग्रेड करा रही, बैटरी बैकअप खतरनाक मिल रहा है, माइक मिल रहा है मेरे को इनबिल्ट जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा माइक नहीं है, इतना पैसे नहीं लेने के लिए, और यार बहुत सही। कॉलेज में ले जा सकते हो, कॉलेज में तो मैंने कूल लोग समझेंगे कि इसका लाइक स्टाइल होना चाहिए, इसमें पीछे टफ लिखा हुआ है, पूरा ब्लैक है, मैट ब्लैक, तो अच्छा लगता है यार। और लाइक 2.5 kg का है, थोड़ा हाँ भारी है, बट बॉयज़ को भारी नहीं लगता है। हाँ गर्ल्स के लिए थोड़ा भारी हो जाएगा ये वाला लैपटॉप, बट बॉयज़ को नहीं लगता है, मेरे को तो नहीं लगता। 2.5 kg का लैपटॉप भारी, ठीक है? और लाइक कौन कौन ये लैपटॉप ले सकता है, कोडिंग करना है ले सकते हो, गेमिंग करना है ले सकते हो, हैकिंग के लिए यूज़ करना है ले सकते हो, कॉलेज के लिए यूज़ करना है ले सकते हो, और कॉलेज स्टूडेंट हो तो ले सकते हो, बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें गेम भी खेलना है कॉलेज में, आराम से 3 साल निकाले होते हैं, 3 2 साल या 5 साल निकाले होते हैं कॉलेज में, तो गेम खेलो, मूवी देखो, कोडिंग करो, काम करो, बस बहुत मस्त लैपटॉप है यार, सही है। एंड और क्या क्या बताऊँ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट मैं इतना एक्सपीरियंस पूरा बता दिया है कि मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस लैपटॉप से, सर्विस अच्छी मिली, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, एंड और कुछ क्या चाहिए। 75,000 रुपीज़ में, और ये बीच में 70,000 का भी हुआ था यार अमेजोन की सेल पर, बट अब तो 75,000 का ही है। अब पता नहीं बड़ी सेल आएगी तो हाँ तो कम का मिल सकता है, बट अभी तो 75,000 रुपीज़ का मिलेगा। और अगर इसका ऑल्टरनेटिव देखना है तो तुम Dell G15 भी देख सकते हो, Dell G15 जस्ट इसका ऑल्टरनेटिव है, बट थोड़ा ऊपर नीचे है, उसके कुछ अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसके थोड़े अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो प्रोस एंड कॉन्स देखने हैं तो तुम आई बटन में जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है? सो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा, लाइक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा आपको, और आप लाइक चूज़ कर पाओगे तुम्हें लीजिए लैपटॉप लेना है नहीं लेना है, Dell G15 लेना है या फिर तुम्हें और कंपनी का लेना है या फिर Asus TUF E15 ही लेना है, तो आई होप आप चूज़ कर पाओगे। और तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है? नीचे लाइक का बटन है, लाइक दबा दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को टेलीग्राम सर्वर्स पे, डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे। बहुत सारे लोग 75,000 रुपीज़ में लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, एंड उसका लाइक मैंने 3 महीने बाद एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो लोगों को ज़्यादा लाइक हेल्प होगी, वो चूज़ कर पाएंगे अच्छे से अपना लैपटॉप कि उन्हें उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा लैपटॉप, ठीक है? और अगर उसके बेंचमार्क और कुछ भी देखना है तो तुम मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हो, पूरा सब कुछ मैंने इसके बारे में पहले ही बना चुका हूँ, ठीक है? सारी वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।